अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये जो बेल का आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने में मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरेबिक सॉस हुमस की रेसिपी। हुमस बहुत ही हेल्दी सॉस है और अरब में बहुत शौक से खाई जाती है। इसे आप ब्रेड, पीटा ब्रेड या सैलड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये ख़ास तौर पर बहुत हेल्दी सॉस है और इसे रूटीन में यूज़ करें तो ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक कप बॉयल चने, इनको अच्छी तरह से गला लिया है इस तरह से, और कोशिश करें कि ये छिलका बीच में ना आए, छिलका उतार दें तो बेहतर है ताकि इसका पेस्ट अच्छे तरीके से बन सके। गार्लिक की कलियाँ हैं, तीन ली मैंने फ्रेश। लेमन जूस लिया है, एक बड़े लेमन का जूस लिया है मैंने। ऑलिव ऑयल हम यूज़ करेंगे, पेस्ट बनाते वक्त भी यूज़ करेंगे और इसको गार्निश में भी यूज़ करेंगे। चनों का पानी, चने बॉयल करते हुए कुछ पानी मैंने बचा लिया था तो ये पानी भी यूज़ करेंगे पेस्ट बनाते वक्त। कोशिश करेंगे कि ये पानी कम से कम यूज़ हो, लेकिन ब्लेंड करते वक्त इसकी ज़रूरत होगी। सॉल्ट लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून, आप इसे अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चनों को बॉयल करते वक्त सॉल्ट बिल्कुल नहीं यूज़ किया था, इसलिए ये मैं हाफ टेबल स्पून यूज़ करूँगी। पेपरिका पाउडर या आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर चाहें तो यूज़ करें, वरना इसको स्किप कर दें। अरेबिक जो सॉस बनाते हैं उसमें चिल्लीज़ यूज़ नहीं करते किसी भी टाइप की, लेकिन अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप थोड़ा सा पेपरिका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। अब सबसे पहले ब्लेंडर के जग में मैं ये ड्राई रोस्ट किए हुए तिल ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर लहसुन के जुए ऐड करूँगी। अब इसके अंदर चने ऐड करते हैं, बॉयल चने। ये इतने से चने मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी, बाकी के सारे मैंने ब्लेंडर के जग में ऐड कर लिए। आप चाहें तो चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ये हम गार्निश में भी यूज़ करेंगे लेकिन इसके अंदर भी ऐड करेंगे। और साथ में ही चने बॉयल करते वक्त जो पानी हमने बचाया था वो तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ में लेमन जूस, एक बड़े लेमन का जूस, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। अब इसे अगेन ब्लेंड करते हैं। इसे मैंने अगेन 3 से 4 मिनट ब्लेंड किया है। अगर आपको लगे कि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो आप मज़ीद 2 टेबलस्पून ऐड कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, इसे थोड़ा सा और ब्लेंड होने की ज़रूरत है। मज़ीद मैं इसे 1 मिनट ब्लेंड करूँगी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है माशाल्लाह से। बाज़ार के हुमस की निस्बत ये आपका होममेड हुमस बहुत ही बेनिफिशियल आपकी सेहत के लिहाज से, इकोनॉमिकली भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसे करके हम गैप बनाएंगे। इसके ऊपर थोड़े से चने हम ऐसे ऐड कर देंगे। बाज़ार से जो हुमस मिलता है उसमें इसी तरह से कुछ चने ऐड किए होते हैं। ऑलिव ऑयल से इसे गार्निश करेंगे।
थोड़ा सा पेपरिका पाउडर इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जिससे इसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी और ये थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा। लीजिए, हमारा होममेड हुमस तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।